नरवाना बस स्टैंड पर पिछले दिनों हुई बारिश का पानी जमा हो गया है, जिसके कारण यात्रियों से लेकर स्कूली बच्चों का काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं हो पाया है। अब समझ नहीं आता कि ये बस स्टैंड है या कोई तालाब। विकास कार्यों पर सालाना करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पैसा खर्च होता है ताकि लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन कई बार पैसा खर्च करने के बाद भी लोग परेशान ही रहते हैं। कुछ ऐसी ही हालत नरनावा बस स्टैंड की है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें बस स्टैंड की बदहाली को बता रही हैं। ये भरा हुआ पानी ऐसा लग रहा है जैसे तालाब हो, लेकिन ये बस स्टैंड है। अब आप सोच रहे होंगे ये पानी कहाँ से आया। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले बारिश हुई थी, ये उसी बारिश का पानी है। ये समस्या पिछले कई सालों से चली आती है। यहाँ आने जाने वाले यात्रियों काफी परेशानी होती है। और यहाँ पे बारिश होती है ना, तब मतलब एक तालाब बन जाता है जी पूरा। यहाँ पे बच्चे बूढ़े मतलब यहाँ पे निकलने के लिए इतना मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। और थोड़ी सी बारिश होती है ना मतलब पूरा पानी भर जाता है। ये तो बहुत कम पानी है, रात को निकल गया इतना पानी हो जाता है, मतलब फुल पानी हो जाता है। निकलने में बच्चा या बूढ़ा कोई भी है, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। ये तो अंदर की तस्वीरें हैं, अब एक नजर बस स्टैंड के मुख्य द्वार पर डालते हैं। जैसे हालात अंदर हैं, कुछ ऐसे ही हालात गेट पर हैं। सरकार कहती है प्लास्टिक यूज ना करें, स्वच्छता बनाए रखें, लेकिन साहब पहले आप तो शुरुआत कीजिए, तभी आम लोग स्वच्छता को लेकर आगे बढ़ेंगे। ये सब देखकर तो स्वच्छता के दावे और वादे सब खोखले लग रहे हैं। यह गंदगी बीमारियों को न्योता दे रही है। यहाँ से रोजाना आम लोगों के साथ स्कूली बच्चे भी यात्रा करते हैं, और यहाँ स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है, आम आदमियों को भी दिक्कत आती है, रेडी वालों को भी, और लगभग सभी को दिक्कत आती है। यहाँ की कोई निकासी नहीं है। यहाँ कम से कम 10 साल से मैं देख रहा हूँ, मैं छोटा सा आता था यहाँ पे, तो तब से यहाँ पे कोई निकासी नहीं है। और बिल्कुल यहाँ पे तो पानी भर जाता है, और बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है यहाँ पे यात्रियों के लिए, और यहाँ पे बाथरूम में शौचालय की भी सुविधा नहीं है ठीक से। बस स्टैंड इंचार्ज सीताराम का कहना है कि मोटर छोटी होने के कारण ये समस्या बनी हुई है। सड़क ऊंची है और गेट नीचा है, इसलिए पानी भर जाता है। इस बारे में आला अधिकारियों को लिखा गया है। इसके बारे में हमारे दो एक चोस लगवाए हैं, वो लगा के एक अल्टरनेट पंप लगा रखे हैं, इससे पानी मोटर से ढुआ करके बाहर बता देते हैं, और चल रहा है पानी धीरे धीरे निकलने लग रहा है। मोटर थोड़ी छोटी है, इस करके थोड़ा टाइम लगे तो पानी निकलेगा। और जो इसके गेट नीचे पड़ चुके हैं, सड़क बनने के कारण इनको नहीं लिख दिया, इनको उठवा देंगे जल्दी। ईंटें आ चुकी हैं और एक दो दिन में काम चालू हो जाएगा। सालों की समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ। हर बार कह दिया जाता है कि आला अधिकारियों को लिख दिया गया है, लेकिन समाधान नहीं हो पाता है। फिलहाल लोगों ने प्रशासन से इसे सही करवाने की मांग की है। नरवाना से गुलशन चावला, टोटल न्यूज।